तो कल हम लोग जो न्यूमेरिकल देख रहे थे, क्वेश्चन तो मैंने खैर लिख दिया था, उसका एक पार्ट हम लोगों ने किया था, बाकी उसमें कुछ और भी पार्ट्स है, उन पार्ट को जो है हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उठा लिया जाए अगला प्रॉब्लम, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें अगला पार्ट जो कहा गया है वो ये है कि बी पार्ट जो है, टू फाइंड द नंबर ट्रिपल एन ऑफ द ईयर्स इन विच नो Employee was born, ठीक है। और एक बार मैं रिफ्रेश करा दूं कि जो कंपनी ने लीनियर एरे मेंटेन किया है उसका नाम ईयर है, ये 1920 से शुरू हो रहा है और 1984 तक जा रहा है, ठीक है। चलिए कल जो पहला पार्ट हम लोगों ने किया था, उस पहले पार्ट में क्या था? तो पहले पार्ट में यह था कि हमको वो सारे ईयर्स प्रिंट कराने थे जिस ईयर में कोई भी इंप्लाई पैदा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने देखा था कि वहां पे एंट्री जीरो थी, उस पर्टिकुलर ईयर में एंट्री जीरो थी। अब ये पूछ रहा है कि टू फाइंड द नंबर ट्रिपल एन ऑफ द ईयर्स इन विच नो एम्प्लॉई वॉज बॉर्न, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ट्रिपल एन ऑफ द ईयर्स, ऐसे कितने साल हैं जिस साल में कोई भी एम्प्लॉई पैदा नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को एल्गो लिखना है, एल्गो लिखना है, डेट इज सोल्यूशन। चलिए सोल्यूशन देते हैं। तो पहला काम करते हैं कि ये जो वेरिएबल ट्रिपल एन है इसको सेट कर लेते हैं किससे, जीरो से, ठीक है। उसके बाद हम लोग लूप चलाते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 1922 1984, लूप चल गया। अब इस लूप के अंदर इफ कंडीशन, इफ ईयर ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो, यानी ईयर ऑफ आई में कोई इंप्लाई पैदा नहीं हुआ, यह कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या कर दिया जाए, सेट ट्रिपल एन इक्वल्स टू ट्रिपल एन प्लस वन, ठीक है। यह हो गया अपना चौथा स्टेप। और पांचवें स्टेप में जब हम लोग लूप से बाहर आएंगे तो हम लोग प्रिंट करा दें क्या, ट्रिपल एन प्रिंट हो जाएगा और छठे स्टेप में हम लोग क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो किया क्या हम लोगों ने कि ट्रिपल एन नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमें अपने रिजल्ट को स्टोर करना है, तो इस ट्रिपल एन को हम लोगों ने सेट कर दिया है जीरो से, लूप चला दिया है 1920 से लेकर 1984 तक, चेक कर रहे हैं कि ऐसे कौन से ईयर्स हैं जिसमें भी इंप्लाई पैदा नहीं हुआ है, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग ट्रिपल एन में एक जोड़ देंगे। देखिए तो यहां पे इनिशियलाइज हुआ है ट्रिपल एन किससे, जीरो से। मजे की बात क्या है, अगर ट्रिपल एन की वैल्यू हमको जीरो मिल रही है, इसका मतलब ये कि कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो और वो हमारी कंपनी में काम ना कर रहा हो, क्लियर है। तो ये सोल्यूशन है दूसरे वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले प्रॉब्लम की तरफ। तो तीसरा वाला प्रॉब्लम क्या है उसको देखा जाए। तो तीसरा पार्ट मतलब सी पार्ट हम लोग लिखते हैं। पार्ट सी में क्या कह रहा है, टू फाइंड द नंबर
कौन सा नंबर है भाई? तो N50 ऑफ इंप्लाइज हु विल बी at least 50 years old at the end of year. और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक इंफॉर्मेशन और है. एज्यूम 1984 इज द करंट ईयर. ठीक है, चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझना जरूरी है, सोल्यूशन तो बाद की बात है. टू फाइंड द नंबर एन फिफ्टी, मतलब एन फिफ्टी हमको फाइंड आउट करना है. अब पता करते हैं कि भाई साहब ये एन फिफ्टी है क्या. तो बोल रहा है कि एन फिफ्टी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इंप्लाइज हु विल बी एट लीस्ट 50 years old एट द एंड ऑफ द ईयर. यानी एन फिफ्टी में हम ऐसे लोगों की संख्या लिखेंगे जिनकी उम्र कम से कम 50 साल है. कम से कम क्या है, 50 साल है. और करंट ईयर क्या कहा जा रहा है, करंट ईयर कहा जा रहा है कि मान लीजिए 1984 है. चलिए तो 1984 तक कोई व्यक्ति 50 साल का हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि वो 1984 में से 50 घटा दीजिए, यानी 1934 में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वह ऐसा ही व्यक्ति 1984 तक 50 साल का होगा. ठीक है, और अगर ये बात समझ में आ गई है तो इस प्रॉब्लम का सलूशन देने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एन फिफ्टी जो कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 50 years old, तो भाई 50 साल के इम्प्लाइज की अगर हम बात करें और हम करंट ईयर मान रहे हैं 1984, तो 1984 में कोई व्यक्ति 50 साल का हो, इसके लिए जरूरी क्या है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि वो व्यक्ति 1934 में पैदा हुआ. चलिए यहाँ पे एक बात और कही गई है, कहा गया एटलीस्ट, कम से कम 50 साल का, 50 साल से ज्यादा भी होगा तो भी इंक्लूड करना. ठीक है, यानी 1934 से लेके 1920 तक की हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो जब हम लोग 1934 से लेके 1920 तक की बात करेंगे तो हमारे पास ऐसे लोगों के आंकड़े होंगे जो कम से कम 50 साल के होंगे. कम से कम 50 साल बोलने का मतलब 50 साल या 50 साल से बड़े. चलिए तो इसका सलूशन हम लोग देखते हैं. तो एक चीज तो पता चल गई कि भाई साहब 1984 में से जब 50 घटाए हैं तो 1934 मिला है. चलिए तो सलूशन देते हैं. तो पहला काम क्या करते हैं, सेट कर लिया जाए N50 नाम का जो वेरिएबल है उसको जीरो से. दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो हमें लूप चलाना है, फॉर आई इक्वल्स टू 1922 1934, तभी तो कम से कम 50 साल वाली बात पूरी हो पाई. अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब कोई कंडीशन उंडीशन नहीं लगाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ईयर ऑफ के में ये एंट्री है कि केथ ईयर में कितने लोग पैदा हुए, तो कुछ नहीं करना है. N50 equals to N50 plus year of I कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए किसको, N50 को. बात एकदम से सीधी है, अगर N50 की वैल्यू जीरो आएगी तो हम लोग ये बिल्कुल बड़े आराम से कह सकते हैं
कि हमारी कंपनी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी एज कम से कम 50 है, और अगर N50 में हमको नॉन जीरो वैल्यूज मिल रही है तो हम लोग इस बात को बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज कम से कम 50 है, ठीक है। और अब पांचवें स्टेप में क्या करना होगा, तो पांचवें स्टेप में आप या तो एग्जिट कर जाओ या फिर आप एल्गोरिदम को स्टॉप करो, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड सोल्यूशन, इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर सी, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये डी पार्ट जो है ये करंट प्रॉब्लम का आखिरी सब पार्ट है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, द नंबर एन एल ऑफ इंप्लाइज, ऑफ इंप्लाइज हु विल बी एट लीस्ट एल ईयर्स ओल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, और क्या बोल रहा है, एज्यूम 1984 इज द करंट ईयर। चलिए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, टू फाइंड द नंबर एनएल, एनएल ऑफ एम्प्लॉइज हु विल बी एट लीस्ट एल ईयर्स ओल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और करंट ईयर क्या बोल रहा है, 1984, यानी 1984 अगर करंट ईयर है तो हम ये मान के चले कि हमसे एक जनरल बात पूछी जा रही है। जनरल बात क्या, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि कम से कम 50 साल के एज वाले कितने लोग हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एल ईयर्स ओल्ड कितने लोग हैं, एल ईयर्स ओल्ड कितने लोग हैं, और देखिए तो यहां पे टर्म इस्तेमाल हुआ एटलीस्ट, तो एटलीस्ट एल ईयर्स ओल्ड फ्रॉम 1984, तो यहां से एल ईयर ओल्ड की बात क्या होगी, 1984 माइनस एल, और एटलीस्ट वाला जब क्लाज एड होगा तो हमें लूप चलाना पड़ेगा कहां से, 1920 से लेके 1984 माइनस एल, ठीक है। चलिए अब इसका सोल्यूशन अगर देखना है तो बहुत ही आसान है, तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, चलिए पहला काम करते हैं, सेट एनएल इक्वल्स टू जीरो, दूसरे में क्या किया, लूप चला दिया फॉर आई इक्वल्स टू 1922 1984 माइनस एल, तीसरे में क्या कर देना है, एनएल इक्वल्स टू एनएल प्लस ईयर ऑफ क्या आई, और चौथे में क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है, किसको प्रिंट कराना है, एनएल को, और पांचवे में हम लोग इस पूरे प्रोसीजर से बाहर, ठीक है। अब मैं एक बात बोल सकता हूं कि इट इज द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन हो गया, और इसके परिपेक्ष में स्पेसिफिक सोल्यूशन कौन था, तो इसके पहले वाला पार्ट, दैट इज सी पार्ट, ठीक है। तो ये जनरल सोल्यूशन है, एल की वैल्यू आप जो भी इनपुट करोगे
तो हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, जनरलाइज होगा। मान लीजिए किसी ने एल की वैल्यू 30 रख दी, तो हमको जवाब किस प्रश्न का मिलेगा, तो हमको जवाब इस प्रश्न का मिलेगा कि हमारे कंपनी में कम से कम कितने लोग काम कर रहे हैं जिनकी एज कम से कम 30 साल है। अगर किसी ने एल की वैल्यू इनपुट कर दी 45, तो हमको किस सवाल का जवाब मिलेगा, तो हमारी कंपनी में ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं जिनकी एज कम से कम 45 साल है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि द डी पार्ट इज ए जनरल सॉल्यूशन और सी पार्ट क्या था, स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक प्रॉब्लम और देखते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम है यहां, क्या बोला जा रहा है कि सपोज ए टेन एलिमेंट एरे ए कंटेन्स द वैल्यूज A1, A2 से लेके A10 तक। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज इन A आफ्टर ईच लूप। ठीक है, चलिए दो लूप इसमें दिया हुआ है, फिलहाल लूप की अभी बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग अपने एरे ए को बना लिया जाए। एरे ए कह रहा है कि एरे ए में 10 एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, A1 से लेके A10 तक। चलिए ये हो गया 10वां इंडेक्स। चलिए वैल्यू देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। ये 10 वैल्यू दिए गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि किस लूप की बात की जा रही है, किस लूप की बात की जा रही है। तो पहले मैं एक काम ये करता हूं कि यहां पे एक एम्प्टी एरे में बना लेता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा एम्प्टी एरे, क्योंकि हो सकता है कि ये नीचे होने की वजह से ना दिखे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चलिए एक टेम्पररी एरे हमने ले लिया। लूप के बारे में क्या कहा जा रहा है, पहला प्रश्न जो है वो है रिपीट। देखिए जहां पे भी रिपीट आए मान जाइएगा, जान जाइएगा कि ये लूप है। रिपीट फॉर के इक्वल्स टू 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक की बात हो रही है। आगे आइए क्या लिखा है, सेट करना। क्या सेट करना भाई, तो ए ऑफ के प्लस 1 में ए ऑफ के को सेट करना है और कह रहा है कि एंड ऑफ द लूप, एंड ऑफ द लूप। अब ये कह रहा है कि अगर ये लूप हम लोग चलाएं इस एरे पे तो इस एरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए के की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक चल रहा है, चलिए
के की वैल्यू जब वन होगी तो के प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं के और एक के प्लस वन, तो के इज वन तो के प्लस वन क्या हो जाएगा, टू। चलिए, यानी ए ऑफ वन में जो वैल्यू है वो किसमें चली जाए, ए ऑफ टू में। ए ऑफ वन में जो वैल्यू है वो किसमें चली जाए, ए ऑफ टू में। ध्यान दीजिए, ए ऑफ वन में कौन सी वैल्यू है, ए वन, तो ए ऑफ टू में भी वन आ गया और ए ऑफ वन ऑलरेडी वन रहेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब कह रहा है कि k की वैल्यू जब 2 होगी तो k प्लस थ्री क्या हो जाएगा, k प्लस वन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी a ऑफ 2 की वैल्यू किसमें आ जाएगी भाई, 3 में। तो a ऑफ 2 में भी कौन सी वैल्यू, a1 है, तो a1 में जो वैल्यू है वो किसमें आ गई, a 3। अब ये लूप ऐसे चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि k की वैल्यू 9 ना हो जाए। यानी ये वैल्यू फिर से उठ के आएगी यहां ए वन, फिर ये उठ के आएगा यहाँ ए वन, फिर ये उठ के आएगा ए वन, फिर ये उठ के आएगा ए वन, फिर ये वैल्यू उठ के आएगी यहाँ ए वन, फिर ये वैल्यू उठ के आएगा यहाँ ए वन, और फिर ये वैल्यू उठ के आएगा ए वन। ध्यान दीजिए, पहले ये जो एरे है, इस एरे में 10 अलग अलग आइटम थे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए वन टू ए टेन। लेकिन जैसे ही हमने ये लूप चलाया, एरे में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम है ए वन, और उसकी 10 कॉपी हमको दिख रही है। ठीक है, चलिए, इसमें मैं अपनी ओर से कुछ कंडीशन और मैं ऐड करता हूं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के और कैसे पूछा जा सकता है, चलिए, ये पूछ सकता है कि कंसीडर दिस एरे ए एंड वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस लूप ऑन दिस एरे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये बताइए कि ये एरे ए है और मान लीजिए नया एरे हो गया ए डैश, ए डैश। अब ये कहेगा कि एरे ए में ए वन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम एरे ए की बात करें तो इस एरे ए में एलिमेंट ए वन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कैसे निकालोगे, तो देखिए कितने एलिमेंट हैं भाई साहब, 10 एलिमेंट हैं, और ए वन कितनी बार आया, वन टाइम आया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/10। अब यही बात कहे कि ये बताइए कि ए वन मिलने की प्रोबेबिलिटी ए डैश में कितनी होगी, तो 10/10, दैट इज। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 10 एलिमेंट का एरे है और हर जगह ए वन दिख रहा है, तो आप आंख बंद करके इस एरे में से कोई भी एक एलिमेंट निकालोगे, सर्टनली इट इज गोइंग टू बी ए वन। बट यहां पर आंख बंद करके आप कोई भी एक एलिमेंट निकालोगे तो वो ए वन होगा, इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी 1/10। क्लियर है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जा सकता है। चलिए, इसी प्रॉब्लम का एक दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। वहां पर भी कोई लूप चल रहा है, कौन सा लूप चल रहा है उसको भी देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि बी पार्ट क्या बोल रहा है, रिपीट फॉर के इक्वल्स टू 9 टू
वन बाई माइनस वन। देखिए लूप ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, पहले नाइन होगा, फिर एट होगा, फिर सेवन होगा, फिर वन होगा, एंड सो ऑन। और कह रहा है सेट ए ऑफ के प्लस वन, इसमें क्या कह रहा है असाइन करने के लिए, तो कह रहा है कि आप इसमें असाइन कर दो ए ऑफ नाइन और एंड ऑफ लूप। चलिए देखते हैं ये लूप जब चलेगा तो क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहां पे एक एरे आप लोग बना लो, चलिए एक एरे बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दिस इज नाइन एंड दिस इज टेन। चलिए के के प्लस वन, के की वैल्यू नाइन हुई, लूप कहां से चल रहा भाई, नाइन से चल रहा, तो के प्लस वन क्या हो जाएगा टेन। यानी जब पहली बार लूप चलेगा तो ए ऑफ के प्लस वन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए ऑफ नाइन को स्टोर कर दो, तो ए ऑफ के प्लस वन मतलब ए ऑफ टेन। कह रहा है कि ए ऑफ टेन में किसको डाल दीजिए, ए ऑफ टेन में किसको डाल दीजिए, ए ऑफ नाइन को। तो ए ऑफ टेन, ए ऑफ टेन में क्या है, ए टेन, ए टेन में कह रहा है कि ए नाइन को डाल दीजिए और अभी एज सच ए नाइन रहेगा। उसके बाद के की वैल्यू जब एट होगी, ठीक है, तो के प्लस वन क्या हो जाएगा नाइन। अब क्या बोल रहा है कि के प्लस वन जब वैल्यू आठ होगी तो कह रहा है कि इसमें ए ऑफ नाइन को डाल दो, तो ए ऑफ नाइन अभी कितना है ए नाइन, तो ए नाइन को किसमें डाल दो, ए नाइन में डाल दो। यानी ये वैल्यू अपने आप को अपडेट कर देगी अपने आप से ही, अभी ये वैल्यू कितनी रहेगी ए ऑफ नाइन रहेगी। उसके बाद के की वैल्यू क्या होगी सेवन, तो के प्लस वन क्या हो जाएगा एट। यानी ए ऑफ के प्लस वन यानी ए ऑफ एट में ए ऑफ नाइन डाल दो, नाइन डाल दो, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप लोग इस प्रॉब्लम को आगे जो है देखिएगा, लूप को आप चलाते चले जाओ। अभी हमने के सेवन की बात की थी, अब मैं कहूं कि k की वैल्यू अगर 6 है तो k प्लस वन क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो k ऑफ 7 में a ऑफ 9 को डाल दो, 9, फिर वैल्यू क्या होगी 5, तो k ऑफ 6 में a ऑफ 9, 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, और ध्यान दीजिए जब k की वैल्यू आएगी 1, जब k की वैल्यू आएगी 1 तो k प्लस 1 कितना होगा 2। यानी a ऑफ 2 में हमको क्या डालना होगा, यहां तक 9 डालना होगा, ठीक है। लेकिन ए ऑफ वन में आप कोई भी अपडेट नहीं कर पाओगे, इसलिए ए ऑफ वन हमेशा कितना रहेगा, ए वन रहेगा, ठीक है। यानी देखिए अब ए नाइन कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स, और ए वन कितनी बार आएगा, 1 टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इन प्रॉब्लम्स को देखा है, और कभी भी अच्छा अगर हम ये आगे नहीं बढ़े होते तो आंख बंद करके तुम लोग आते और यहां तक सीधे A9 तक पहुंच जाते,
क्योंकि सबको एक पैटर्न दिखने लगता है और लोग भूल जाते कि अरे भाई के जब जीरो होगा तब तो के ऑफ वन में कुछ होगा। तो इसीलिए जब भी लूप दिया जाए तो भाई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा अगर उसको कर लेते हो। इस बात की पूरी गारंटी रहेगी कि ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैटर्न देखकर आगे मत सोचो, या पैटर्न देख के जब आगे सोच भी रहे हो तो कंक्लूजन की तरफ ना बढ़ पाओ कि गेस कर लो कि हाँ ये ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस वही होते हैं जो शुरुआत में तो एक पैटर्न दिखाते हैं, लास्ट में आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो आज का वीडियो है ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। थैंक यू।